गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑडियो वीडियो फाइन कल्पना ओके ओके थैंक यू ठीक सो ठीक है कल हम लोग ने काफी चीजें यहां पे देख ली थी हम लोग देख रहे थे किस तरीके से जो विंड्स हैं वो क्या कर रही थी ओके okay. जो विंड्स थी किस तरीके से वो अलग अलग तरीके का क्लाइमेट बना रही थी वो हम लोग ने देखा था कि कहाँ पे वेजिटेशन कौन कौन सी हो रही थी मैंने आप लोग को दिखा भी दिया था सबसे ऊपर जैसे रेनफॉल ज़्यादा हो रही थी बीच में उससे कम हो रही थी सबसे नीचे उससे कम हो रही थी तो उस प्रकार से वहाँ पे भी क्लाइमेट था अलग अलग सबसे नीचे हाँ सबसे ऊपर टैगा उसके बाद ग्रास लैंड ग्रास लैंड कौन से टेम्परेड ग्रास लैंड उसके बाद कॉन्टिनेंटल डेजर्ट जो बड़े एरिया में पाए जाते हैं वो थे अपने उसके एग्जाम्पल वगैरह हमने लिखा दिए थे यस गुड इवनिंग अपर्णा तो वो हम लोग ने देख लिया था किस तरीके से जो लीज़ हैं उससे एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना कौन कौन से थे अगर आपको कम से कम लिखने को आता है तो शॉर्ट नोट के तौर पे मेंशन चीजें कराई जा सकती हैं उतना अपना हो गया था आज हमने आप लोग को आई थिंक हेडिंग डलवा दी थी मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की तो जल्दी से हो जाएगा इसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा इसके बाद हम क्या करेंगे आप लोग को लोकल वगैरह पढ़ा देंगे लोकल हम देंगे समझा तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पे आज नोट्स लिखते हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट गुड इवनिंग दीपा शोला शोला नहीं 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 शोला वाला जो है शोला वेजिटेशन जो है फॉरेस्ट और ग्लासलैंड दोनों मिला के हैं वो केवल और केवल अपने इंडिया स्पेसिफिक है शोला फॉरेस्ट वो अपने इंडिया स्पेसिफिक है ट्रॉपिकल रीजन में बारिश भी होती है और ड्राई सीजन भी होते हैं जिसके चलते हमने बताया होगा ना ऐसे वहाँ पे सीन था कि पेड़ भी थे फिर ग्रास लैंड थी फिर पेड़ थे फिर ग्रास लैंड थी साउथ इंडिया में होता है बेसिकली हाँ 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 तो ये इनका इनका संबंध वेस्टर्लीज से नहीं है वेस्टर्लीज इन जोन में कहाँ रहती है इन जोन में वेस्ट नहीं रहती है तो वो अलग फिनोमेना है हाय लीना हाय अनुज स्वागत स्वागत सो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट लिखाने जा रहे हैं कल हमने हेडिंग डला के रोक दिया था ना अब इसके बारे में लिख लीजिए सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड द लेक्चर चलिए लिखिए पहली बात देर अप्रॉक्स देर अप्रॉक्स लोकेटेड अराउंड 35 uh, थर्टी एट डिग्री टू फोर्टी फोर्टी टू फोर्टी फाइव डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ये लैटिट्यूड्स बता रहे हैं उसका किस लैटिट्यूड पे ये है इट्स लाइक अ ट्रांजिशन जोन नेक्स्ट पॉइंट इट्स लाइक अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन ट्रेड विंड बेल्ट किसका है जोग्राफी ऑप्शनल का है जॉग्रफी ऑप्शनल का है तो पूछ लीजिए इट्स लाइक अ ट्रांजिशन जोन इट्स लाइक अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन ट्रेड विंड ट्रेड विंड बेल्ट एंड वेस्टर्ली बेल्ट एंड वेस्टर्ली बेल्ट इसके बीच का एरिया ये इसके बीच का एरिया थर्ड ऑल इट इज ऑलवेज

ओके okay. साइमल्टेनियसली नहीं होती है थंडर स्टॉम साइमल्टेनियसली नहीं होती है इन जनरल इन जनरल अगर बात करी डोल्ड्रम रीजन है जो, जो डोल्ड्रम रीजन है ना वो काम जोन होता है वहां पे एज सच मूवमेंट विंड्स का नहीं देखा जाता है काम जोन होता है लेकिन विद देंट मूवमेंट ऑफ सन जब सन का एपरेंट मूवमेंट होता है नीचे या ऊपर तब यहां पे आपको थंडर वगैरह दिखेगा तब ये मैं सोच रहा था कि किसी ने <laughs> ये चीज पूछी क्यों नहीं ये मैं सोच रहा था क्योंकि ये जोन समझ रहा हो ना सब लोग ये जोन ऐसा है तो इन जनरल काम कंडीशन रहती है यहाँ पे ये जोन है जोन है जोन तो यहाँ पे एक ऐसे समझ सकते हैं जैसे बीच में कुशन लगा हुआ है और इधर इधर हवा प्रेस हो रही है कुशन टाइप का लगा हुआ है लेकिन जब ये कुशन ऊपर नीचे होता है जब ये कुशन ऊपर या नीचे होता है तब यहाँ पे चेंजेस आते तो इराटिक वेदर कंडीशन होती है विदर स्टॉम गुड सही किया पूछ के चलिए तो फोर्थ पॉइंट लिखिए एक ओल्ड कंडीशन है ओल्ड क्वेश्चन मतलब लीना क्या यही अला जो भी ओके 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 सुनो बैक वेस्टिंग क्या बैकवर्ड इरोजन क्या होता है जैसे ये मान लो वॉटरफॉल है समझ लो इट्स अ काइंड ऑफ वॉटरफॉल यहाँ से नदी आ रही है ऐसे आ रही है नदी ये वॉटरफॉल है तो यहां पे अगर बात करें एक मिनट एक मिनट जरा ये समझा दें तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो टॉप मोस्ट रॉक है टॉप मोस्ट रॉक है यहाँ पे इरोजन नदी करती जाएगी करती जाएगी तो ये क्या होगा धीरे 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 ये सरफेस ऐसे हो जाएगी ये जो वॉटरफॉल हो रहा है ये जो रॉक है ये ऐसे कटेगी फिर ये पीछे कटेगी फिर ये पीछे कटेगी सो इट इज बैकवर्ड इरोजन ठीक है लीना नदी इस तरफ जा ही रही है कंटिन्यूसली लेकिन ये जो इरोड कर रही है पीछे के साइड कर रही है ये पीछे के साइड कर, कर रही है ऐसे है Concept. फिर वैसे रिवर जो टेरेस हम नहीं बनाते हैं हमेशा समझाने के लिए तो इसमें भी समझ सकते हो हाँ यस ये वैली में भी होगा यस वैली में भी यही चीज होगी यस। बिल्कुल स्कार फेस वाला जो स्लोप डेवलपमेंट हम लोग प्रोसेस देख रहे थे यस बस 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 वही वही पूछ लिया करिए बेझिझक पूछ लिया करिए पता होगा तो बता ही देंगे तो हाँ इसमें लिखिए क्या है दोस्तों समर में क्या होता है समर में समर में यहां पे इस जोन में अभी लिख लो अभी हम सब समझा देंगे इस जोन में ट्रेड विंड्स जो होती हैं, ये ऑफशोर हो जाती हैं यहाँ पे और जब भी ऑफशोर होंगे कोई इवेंट्स तो इट विल बी ड्राई विंटर में क्या होता है विंटर में यहाँ पे वेस्टर्लीज़ के इन्फ्लुएंस में ये रहता है ये एरिया वेस्टर्लीज़ के इन्फ्लुएंस में रहता है इन वेस्टर्लीज़ हियर आर ऑनशोर विंड्स एंड इट विल बिंग रेन्स रेन्स लिख लो सब अभी फिफ्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट Warm, summer समर कैसा रहता है वॉम नेक्स्ट सिक्स पॉइंट विंटर्स आर नॉट वेरी सीवियर विंटर्स आर नॉट वेरी severe तो मेडिटेरियन को लिखने को आएगा तो आप लोग के पास कम से कम इतना हो मटेरियल कि आप एटलीस्ट एक पन्ने तक का मैटर लिख सको नेक्स्ट रेनफॉल इन विंटर उसके बाद किताब में हम मार्क कराएंगे रेनफॉल इन विंटर रेनफॉल इन विंटर रेनफॉल इन विंटर समर्स ड्राई समर्स ड्राई कीवर्ड वर्ल्ड है सब कीवर्ड वर्ल्ड की मतलब अगर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आपसे पूछा जाए तो आपके आंसर में ये सब चीजें आनी चाहिए सो so, यहाँ पे बेसिकली कैसा क्लाइमेट रहता है सेमी एरिड क्लाइमेट इन जनरल सेमी एरिड क्लाइमेट इन जनरल लेकिन इरिगेशन फैसिलिटीज वाटर अवेलेबिलिटी होने के कारण यहाँ पे अच्छा खासा प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता olives, grapes, है ग्रेप्स, ऑर्चर्ड्स हैं ढेर सारे अलग अलग फलों के सिट्रस फ्रूट्स के बेसिकली खासकर वाइन बनती है और भी जो फ्रूट डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी बनते हैं यहाँ पे इतना लिख लिया सबने डन ठीक है अब एक हम डायग्राम बना रहे हैं पहले हम बना लें उसके बाद आप लोग बनाइएगा हाँ क्वेश्चन यस yes, होगा ज़रूर होगा ऐसे सवाल आते हैं तो सीन क्या है सीन ये है दोस्तों कि ये एरिया आपको समझ में आ गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये इक्वेटर ये तो आपको समझ में आ गया कि ट्रेड विंड्स के अंडर में इधर ट्रेड विंड्स में तो मैंने आप लोग को मोटा मोटा जो रेंज बताई हुई है पैतीस अड़तीस याला जो जोन है सो पैतीस अड़तीस ये जो जोन है ये हो गया इधर और इधर चालीस बयालीस पैतालीस तक जा सकते हैं चालीस बयालीस पैतालीस डिग्री तक और यहाँ इसके ऊपर है, है और इसके अराउंड, अराउंड यहाँ पे नीचे ट्रेड विंड्स हैं। इस जोन में भी है इसके आगे पीछे भी है तो अब होगा क्या अब होगा क्या जब शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट होगी समर के टाइम पे जो बेल्ट हैं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी सबको समझ में आ रहा है तो ये एरिया किसके अंडर में हो जाएगा बताइए ये एरिया किसके अंडर में होगा वेस्टर्लीज की ट्रेड विंड अरे सोच के बताओ भाई प्रेशर बेल्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी तो ये एरिया किसके अंडर में हो जाएगा वेस्टर्लीज के अंडर में कहा होगा ये बेल्ट भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी ना तो इसके उसमें आ जाएगा ट्रेड विंड्स के अंडर में आएगा क्या हुआ दिक्कत हो रही है क्या कुछ ये भी वेस्टर्लीज भी तो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी ट्रेड विंड्स भी ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी तो ये जो जोन है बाय लार्ज ये आ जाएगा आपके ट्रेड विंड्स के अंडर में आप समझे ये जो ट्रेड विंड्स थी ये इसके अंडर में आ जाएगा और यहाँ ट्रेड विंड्स कैसी हैं ऑफ शोर है कि ऑन शोर है, है? ट्रेड विंड्स यहाँ पे कैसी हैं ऑफ शोर है, है, है? ट्रेड विंड्स कैसी हैं ऑफ शोर है ऑफ शोर है।, है तो अगर यहां पे मान लो ये ये है रीजन तो ये ऑफ शोर होती हैं बारिश यहाँ पे नहीं कराएंगी क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था क्या दे आर ऑलवेज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट तो हम लोग बेसिकली ये रीजन को कंसिडर करेंगे इस रीजन को मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट बनता है वो हमेशा जो कॉन्टिनेंट है उसके वेस्टर्न पार्ट पे रहता है तो वेस्टर्न पार्ट पे ओके okay, यहाँ पे ध्यान दो हमने ये जोन बनाया है पैंतीस अड़तीस वाला जो लैटिट्यूड है उससे लेके चालीस बयालीस डिग्री लैटिट्यूड तक जो जोन है आपका ये मान लो एक कॉन्टिनेंट है उसका जो वेस्टर्न पार्ट है उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो मैंने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया अब समर में क्या होता है समर में हम जानते हैं एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन होता है सन ऊपर की तरफ जाता है तो सन जब ऊपर की तरफ जाता है तो जितनी भी प्रेशर बेल्ट है ना वो भी शिफ्ट हो जाती हैं वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं तो जब यहाँ शिफ्टिंग होगी तो जो वेस्टर्लीज है ये और ऊपर हो जाएंगी ट्रेड वेंट्स ऊपर आने लग जाएंगी तो मैंने जो ये एरिया यहां पे बनाया हुआ है ये एरिया आपका ट्रेड वेंट्स के अंडर में आ जाएगा ट्रेड वेंट्स के अंडर में और यहां पे ट्रेड वेंट्स जो है यहां पे ट्रेड वेंट्स ऑफ शोर विंड की तरह काम कर रही है लैंड टू सी चल रही है इसलिए ये बारिश नहीं कराती है नेटवर्क इशू सब सबके लिए हो रहा है क्या नेटवर्क इशू ओके 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 अब इसी का ठीक उल्टा समझो इसी का ठीक उल्टा समझो अब क्या होगा विंटर तो जब विंटर आएगा विंटर आएगा तो शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट नीचे की तरफ होगी मतलब वेस्टर्लीज भी अब नीचे होगी ट्रेड्स भी आपकी नीचे हो जाएंगी तब ये एरिया किसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा दोस्तों वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा और जब वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आएगा तो आप लोग बताओ बारिश होगी यहां पे ऑन शोर हो जाएंगी ऑन शोर हो जाएंगी तो बारिश कराएंगे यस yes. बस इतनी सी चीज समझनी है आपको बस यही समझा रहे हम बस ये चीज है तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग इन प्रेशर बेल्ट्स ट इज बिकॉज ऑफ दिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्टेट बिकॉज जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो मेडिटेनियन सी वाला जो रीजन आ रहा है ना वहां पर ये बड़े पैमाने पर पाया जाता है उस रीजन के अराउंड अब जरा सब लोग एटलस अपनी ओपन करिए बना रहे हो क्या ये जब हो जाए तो बताना एटलस ओपन करिए सब लोग जरा और पता है जो वर्ल्ड मैप है देखो बीच में वर्ल्ड मैप है वर्ल्ड मैप उसका पन्ना जब पलटोगे जो वर्ल्ड मैप है बीच में ये जो बीच में वर्ल्ड मैप है होता है बीच में वर्ल्ड मैप जो होता है ये जब ओपन करोगे ये जब ओपन करोगे तो इसके एक पेज टर्न करो एक टर्न करो लिखा है वर्ल्ड फिजिकल उसके बाद लिखा है वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स तो वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स में आइए सब लोग वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स में आगे वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन बीच का सेंटर वाला ओपन करो वहां वर्ल्ड मैप है उसका पन्ना एक पलटो वर्ल्ड फिजिकल है वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स है वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स में देखो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट रेड कलर से है मेरी बुक में देखो मेडिटेरेनियन सी के आसपास रेड कलर का बना है कि नहीं रेड कलर का बना है ना रेड कलर का और देखो कैलिफोर्निया में यूएस में आइए कैलिफोर्निया में ऊपर के साइड बना है ये रीजन कौन सा आ रहा है के अंडर में वेस्टलीस के अंडर में कैलिफोर्निया वाला ऊपर आइए उधर जो है वहां पे हल्का सा छोटा सा सेक्शन छोटा सा सेक्शन उसके बाद साउथ अमेरिका में आइए साउथ अमेरिका में आइए वहां देखो हल्का सा हल्का सा चिली में बना हुआ है चिली में हल्का सा ऑस्ट्रेलिया में आइए ऑस्ट्रेलिया में नीचे की तरफ देखिए ऑस्ट्रेलिया में नीचे की तरफ वहां पर रेड कलर का बना हुआ है साउथ अफ्रीका में आइए साउथ अफ्रीका में ड्रकेंसबर्ग माउंटेन जहां पे था वहां पे हल्का सा बना हुआ है तो वैसे के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप ऊपर वाला देखो जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास है तो अब आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया है ये रीजन अब आपको देखना है तो अब यूरोप का मैप ओपन करिए यूरोप के मैप पे जल्दी आइए यूरोप के मैप पे यूरोप के मैप पे आइए सब लोग तो आपको एक चीज समझ में आ रही है क्या देखो फोर्टी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की लाइन खींची हुई है फोर्टी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की यूरोप में आओ यूरोप में मेडिटेरेनियन सी पे फोकस करो यूरोप में आओ मेडिटेरेनियन सी पे फोकस करो फोर्टी डिग्री नॉर्थ लाइन खींची हुई है हमने आपको यहाँ पे क्या बताया है? हमने आपको यहाँ पे क्या बताया हुआ है देखो ये रीजन उसी के आसपास है ये रीजन उसी के आसपास है एक टाइम पे यहां इन्फ्लुएंस रहता है ट्रेड विंड्स का एक टाइम पे इन्फ्लुएंस यहाँ रहता है वेस्टर्लीज का तो इधर से वेस्टर्लीज आएंगी बारिश कराती हैं विंटर्स में जब ये जोन वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आ जाता है सबको समझ में आ गया इतना सबको इतना समझ में आ गया ठीक है काफी समझा दिया तो अब हम क्या करेंगे एक वर्ल्ड मैप ड्रॉ करेंगे सो दैट मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पे लिखने को आए तो हम अच्छा सा एक वर्ल्ड मैप बना दें अपना ये हो जाए तो वर्ल्ड मैप बनाइएगा पहले हम बना ले फिर बनाना हाँ जी हाँ जी कोई वो नहीं बिल्कुल जैसा ठीक लगे तो यहाँ पे कहाँ कहाँ हमने बताया आपको दिस रीजन दिस रीजन फिर मैंने आपको कहाँ बताया दिस रीजन फिर मैंने आपको कहाँ यहाँ पे बताया था दिस रीजन ठीक है फिर बेसिकली ये रीजन है फिर यहाँ पे बात करी जाए यहाँ है यहाँ है और uh... ठीक है तो ये तो मेडिटेरेनियन रीजन वाला सबको आप लोग को पता ही हो गया ये है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया क्योंकि साउथ कैलिफोर्निया दोस्तों डेजर्ट है ध्यान रखना साउथ कैलिफोर्निया डेजर्ट है साउथ कैलिफोर्निया इज अ डेजर्ट ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया फिर यहां पे सेंट्रल चिली सेंट्रल चिली यहां मेडिटेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है यह है आपका केप टाउन केप टाउन ये आपका पर्थ यह है आपका, पर्त. पर्त. ये है आपका एडिलाड. एडिलाड. यहां पे मेडिटेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को हमें मिलता है इतना कर लीजिए फिर बताइए अब हम लोकल विंड्स जरा यहां लिखा दें लोकल इवेंट्स हाँ सेंट्रल चिली ही है चिली के सेंट्रल सेंट्रल चिली जस्ट अ सेकेंड हाँ सेंटियागो पड़ेगा सेंटियागो हाँ ठीक है सेंटियागो कैपिटल है ना उसी के आसपास सेंटियागो सेंट्रल चलिए जोन है बेसिकली जोन ठीक है आगे बढ़ा जाए चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं लोकल विंड्स, लोकल विंड्स, क्योंकि अब अपना जो परमानेंट विंड्स वाला था मामला वो मैंने आपको बताया अब हम पढ़ लेते हैं लोकल विंड्स को इसके बाद मैं आपको जेट स्ट्रीम रॉसबी वेव्स ये सब डिस्कशन कराऊंगा, ठीक है तो अब काफ़ी लोगों ने हमसे पढ़ा हुआ है एकेडमी पे, बिल्कुल सेम टॉपिक यही तो वही चीज़ है तो अगर नोट्स आपके लिखे हैं तो फिर यहाँ पे आप जैसे भी करना चाहो कर लो क्योंकि अब हमें यहाँ तो पढ़ा नहीं है उस चीज को तो सेम ही कंटेंट रहेगा ठीक है लेकिन यहाँ पे एक जगह सीक्वेंस चल रहा है ना तो उस हिसाब से ओके लिखिए लोकल विंड्स लोकल विंड्स फ्रेश पेज से स्टार्ट करिएगा लोकल विंड्स दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज these are also called as tertiary atmospheric circulation, tertiary atmospheric circulation. या जैसा बताओ कौ? skip कर दें। वैसे मैं skip करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो पढ़ाना ये तो मतलब बनता ही है ओके okay, ठीक है दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज टर्चरी एटमोसफिर सर्कुलेशन दे आर कन्फाइंड दे आर कन्फाइंड मतलब रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड स्पेशल लोकलिटी दे आर कन्फाइंड टू स्पेशल Confined to limited spatial locality and they are caused and they are caused they are caused due to the result of local condition due to the result of local condition दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने जो विंट पढ़ी है वो local conditions की वजह से थोड़े ना बह रही थी वो तो permanent nature की थी earth के rotation के कारण वो बन रही थी तो जो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो रखा है अर्थ पे वो उसकी वजह से थी तो हम लोग नहीं कह सकते लोकल कंडीशंस की वजह से बन रही थी लेकिन ये जो वेंट्स हैं लोकल वेंट्स लोकल कंडीशन की वजह से हाई प्रेशर लो प्रेशर बन जाता है वहां पे प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स हो जाता है और ये वेंट्स चलने लग जाती हैं दे आर सर्कुलेशंस दे आर सरफेस सर्कुलेशंस

ई प्रेशर एंड लो प्रेशर रीजन्स लोकलीकली कितना लिख लेना तो बताना नेक्स्ट लिखिए इसमें कौन कौन लिख रहा है अनुज तो लिख रहे हैं और कौन लिख रहा है okay, कल्पना पढ़ना ओके 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 ठीक है ऑल राइट नेक्स्ट लोकल विंड्स कितने तरीके की हैं? क्या हिसाब किताब है लोकल विंड्स का लोकल विंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ब्रॉडली तीन पार्ट्स में On the basis of thermal characteristics, on the basis of thermal characteristics, it can be cold or warm, cold or warm winds, on the basis of periodicity, on the basis of. <laughs> हाँ हमको अपने ही पे ही नहीं भरोसा है सही बात है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एंड अकरेंस मतलब दिन में या हफ्ते में कैसे क्या हिसाब किताब है चलने का दिन में कितनी बार चलती है ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी एंड अकरेंस लैंड एंड सी ब्रीज उंटेन एंड वैली ब्रीज माउंटेन एंड वैली ब्रिज लैंड एंड सी ब्रीज माउंटेन एंड वैली ब्रीज यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पैक्ट इट कैन बी बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल इट कैन बी बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल इतना हो जाए तो बताइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए वार्म विंड्स नेक्स्ट हेडिंग डालिए वार्म विंड्स वार्म विंड्स फर्स्ट इज लू लू को पढ़ते हैं लू तो लू पढ़ने से पहले एक डायग्राम बना लीजिए एक, एक. एड ऑन के लिए ऐसे शो कर दो लू ऐसे शो कर दो लू सब हेडिंग क्या है ये जो आपने ऊपर एक फ्लोचार्ट बनाया एक डायग्राम बनाया उसके नीचे से शुरू कर दो बीच में डाल दो हेडिंग विंड्स उसके नीचे से शुरू करो विंड्स हम लोग देख लेते हैं पहले लू लिखिए लू में इट इज हॉट एंड ड्राई विंड इज हॉट एंड ड्राइव ब्लोज इट ब्लोज इन प्लेन इन द्लेन ऑफ साउथ एशिया साउथ एशिया पाकिस्तान राजस्थान UP, Bihar, Assam. It blows in summer. It blows in summers due to intense heating of land, due to intense heating of land next they raise the temperature they raise the temperature of that place by up to 5 degree to 6 degree centigrade average speed is around थर्टी टू फोर्टी किलोमीटर पर आवर आपने सुना होगा आंधी आंधी इसको बोलते हैं ब्लाइंडिंग स्ट्रॉंग. ब्लाइंडिंग घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए ये सारी बात है सिक्सटी किलोमीटर पर आवर धूल भरी आंधी जो चलती है तो एक शॉर्ट नोट लू के बारे में डायरेक्ट लू आपसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन के साथ मिक्स फॉर्म में रहेगा वो तो लू पे आधा पन्ना हम लोग थोड़ा बहुत लिख सकते हैं डायग्राम बनाओगे तो बना दोगे तो और ही अलग बात है नेक्स्ट चिनूक चिनूक थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग इसको

साइड ऑफ़ द रॉकीज मतलब क्या है दोस्तों मतलब ये है कि जो भी हवा माउंटेन से जब लीवर्ड साइड पे उतरती है तो कैसी रहती है गर्म रहती है मतलब ये रॉकीज हो गया ये ये इसका विंडवर्ड साइड है ये इसका लीवर्ड साइड है तो चिनूक इधर से उतरती है चिनूक यह चिनूक वॉम विंड इसी लिए चिनूक ये रॉकीज है

उतरती है नीचे यस yes. जब ये नीचे उतरती है तो वहां पे जो ग्लेशियर वगैरह मतलब जो स्नो वगैरह है उसको मेल्ट कर देती है सो इट रेजेस द टेम्परेचर इट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द ईस्टर्न साइड ऑफ द ईस्टर्न साइड ऑफ द रॉकीज and melts the snow and melts the snow hence it is also known as snow eater snow eater यही एक बात है यही एक बात है कि जब यहां पे जो स्नो है जब वो मेल्ट हो जाती है तो यहाँ पे क्या होती है यहाँ पे खेती हो पाती है एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाता है तो ग्रेट प्लेन ऑफ यूएस जो है जो ग्रेट प्लेन ऑफ यूएस है वहां पे जो मेज वगैरह की कॉर्न की वीट की जो खेती होती है फार्मिंग होती है वो इसी कारण पॉसिबल हो पाती है क्योंकि वही है अगर ठंडा रहेगा बर्फ जमने लग जाएगी तो खेती के लिए नुकसानदेह है वो तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएस जो आता है उसी के इन्फ्लुएंस में रहता है इसीलिए वहां पे बर्फ वगैरह नहीं जम पाती है वहां पे फार्मिंग हो पाती है वीट की मेज की भाई मेज कह लो कॉर्न कह लो भुट्टा बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट दिस इज द रीजन स्नो हीटर है ना ये दिस इज द रीजन द दर्स वाय द पैस्चर्स पैस्चर्स मतलब ग्रास लैंड और यूएस के ग्रास लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं This is the reason why the pastures, grasslands, prairies, prairies on the eastern slopes, on the eastern slopes of Rockies are open almost throughout the year, are open almost throughout the year. नेक्स्ट फो अच्छा हाँ हो सकता है डन ओके ठीक है नेक्स्ट लिखिए फोएन नेक्स्ट थर्ड फोएन फोएन की स्पेलिंग एफ ओ ई एच एन भी देख सकते हो आप एफ ओ एच एन भी देख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है दोनों एक ही बात है इज द लोकल विंड ऑफ आल्प्स इट इज द लोकल विंड्स ऑफ आल्प्स आल्प्स माउंटेन इट ग्लोज ऑन द Northern slopes of Alps, Switzerland so basically. Yes, yes. नहीं तो ये area, नहीं तो वही है ये area इतना ठंडा रहे की हो चुका काम अरे यार क्या हो गया हम्म ठीक इट इज वार्म एंड ड्राई विंड इट इज वार्म एंड ड्राई विंड ये भी वही लीवर साइड ऑफ आल्ब्स साइड ऑफ एल्ब्स ये आपका यूरोप कुछ इस तरीके का ये यहाँ पे आपके एल्ब्स थे पाई शेप में एल्ब्स थे वही इधर फ्लो करती है ऐसे करके बना दो नेक्स्ट इज जौंडा जौंडा Warm and dry wind. Warm and dry wind. On the leeward side of Andes Mountain. On the leeward side of Andes Mountains. It blows in Argentina. Argentina. Next is Santa Ana. Santa Ana.

बिकॉज इट ब्लोज इन सेंटा एना वैली सेंटा एना वैली मतलब क्या है ऐसी वैली रहेगी और ये हवा ऐसे जाएगी इस वैली से निकल के जाएगी इस वैली से पास होगी तो जब वैली से पास होगी हाँ स्पीड तेज हो जाएगी और गर्म भी ज्यादा हो जाएगी इट कॉजेज ह्यूज इट कॉजेज ह्यूज क्लाइमेटिक हजार्ड्स ह्यूज क्लाइमेटिक हजार्ड्स बिकॉज ऑफ इट्स डेसिकेटिंग नेचर डेसिकेटिंग नेचर डेसिकेटिंग मतलब एक, एक बहुत ही ड्राई विंड होती है तो सब जगह का मॉइस्चर ऑब्जॉर्व कर लेती है तो से क्या होता है दोस्तों फॉरेस्ट फायर्स सुनते आते हैं हम लोग कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग गई तो ये विंड वन ऑफ द फैक्टर्स है फॉरेस्ट फायर इन दीज रीजन इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स सेंटा है ना ड्राई विंड नेक्स्ट इज योमा विंड्स योमा

इन साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका इट इज इट इज डाउन स्लोप ऑफ द ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन ड्रेकर्ग माउंटेन्स बताया मैंने आप लोग को ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन के बारे में कहाँ पे है यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे है

तो ये न्यूजीलैंड हो गया यहां पे कौन सा माउंटेन रेंज है वहीं से ये हवाएं उतरती हैं नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में कौन सा ये माउंटेन रेंज है पता है सदन आल्प्स सदन आल्प्स नेक्स्ट इज सिरक्को दिस इज इंपॉर्टेंट सिरक्को इट इज अ वॉर्म dry and dusty wind. Dusty wind means dusty wind of Sahara. Sahara. Sahara desert. They generally cause they generally cause dust storms. Dust storms in these regions.

ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से बोली जाती है इधर हो गया हर मटन ये हो गया सिमून सऊदी अरेबिया ये यहाँ पे आपका है मोरक्को मोरक्को से यहाँ स्पेन की तरफ चलती है इधर हर मटन हर मटन अनुज लेस्ते लेते लेस्ते। बोली जाती इधर लेवंश स्पेन में इसको बोलते हैं लेवान्श फिर इराक में से क्या बोलते हैं शामल शामल इराक में से बोलते हैं शामल मतलब वहां तक इसका इन्फ्लुएंस रहता है तो यहाँ की जो कुछ कंट्रीज हैं ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका कॉन्टिनेंट वहां पे क्या क्या है इसको ऐसे ही लिख लो यहाँ पे बता रहे हूँ चिली में क्या बोलते हैं चिली सॉरी टूनीशिया में इसको चिली नाम से बोला जाता है चिली सी एच आई एल आई चिली लिबिया में लिबिया, इजिप्ट में खमसेन ये बहुत पूछता था पहले इजिप्ट, प्रीलिम्स में हबूब हबूब सुडान लेस्ते अभी जस्ट बताया मुरक्को यही जब आगे पहुंच जाती स्पेन में वेन दिस लेस्ते इंटर स्पेन वहां इसको बोलते हैं लेवान इतना हो जाए तो बताइए हरमटन के ऊपर यहां मुरक्को लिखा हुआ है हरमटन के ऊपर मुरक्को मुरक्को में ले लेस्ते ठीक है कल्पना हो गया ओके ठीक है अब लिखिए इंपैक्ट ऑफ सिरक्को सिरक्को बहुत इंपॉर्टेंट है इसका इंपैक्ट इम्पैक्ट ऑफ सिरप को पहला दे आर डस्ट स्टोम्स दे आर डस्ट स्टोम्स हेंस नॉट गुड फॉर हेल्थ नॉट गुड फॉर हेल्थ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कर देगी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कर देगी सेकेंड बात दे आर नोन टू रिड्यूस विजिबिलिटी दे आर नोन टू रिड्यूस विजिबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी नेक्स्ट बात दे आर हॉट विंड्स दे आर हॉट विंड्स एंड दे कैन रेज द टेम्परेचर दे कैन रेज द टम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एरियाज कितना बढ़ा सकती हैं अराउंड टेन डिग्री सेंटिग्रेड नेक्स्ट दीज डस्ट स्टॉम्स वाइल मूविंग अक्रॉस द मेडिटेनियन सी वाइल मूविंग अक्रॉस द मेडिटेरेनियन सी जब ये क्रॉस करती हैं द पिकअप मॉइस्चर दे पिकअप मॉइस्चर एंड रिजल्ट इन रेनफॉल एंड रिजल्ट इन रेनफॉल इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप स्पेशली इटली इटली में खास कर बारिश होती है तो दोस्तों दीज विंड्स कैरी रेड सैंड्स इसी में लिखिएगा दीज विंड्स कैरी रेड सैंड्स फ्रॉम द डेजर्ट हैंस हैंजर्ट इंटू रेड कलर रेनफॉल हैंस हेजर्ट इंटू रेड कलर ऑफ रेनफॉल खून गिर रहा है आसमां से क्योंकि उसमें डस्ट स्टॉम्स आ जाती ना रेतीली लाल लाल कलर नेक्स्ट दीज रेन्स आर हार्मुल फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप्स यहां पर बेसिकली एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती क्या है स्पेशली फ्रूट क्रॉप्स मेडिटेरेनियन रीजन है ना इसलिए ऑलिव्स ग्रेप्स एक्सेट्रा नेक्स्ट हरमटन या डॉक्टर विंड इतना हो जाए बताइए

southwest part of africa that is towards gulf of guinea next point weather condition of gulf of guinea Kaisi hai? weather condition of gulf of guinea Kaisi hai? very hot and very humid वेरी हॉट एंड वेरी ओके 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 वेरी हॉट एंड वेरी ह्यूमिड सीन तो यही है जो ह्यूमिड हो गया हो जाए कल्पना तो बताना ह्यूमिड का मतलब है बहुत ही ज्यादा वहां पे नमी होगी तो वही मैंने बताया नहीं था कि यहाँ पसीना सूखता ही नहीं है क्योंकि हवा भी इतनी नम हो चुकी है कि आपका पसीना एयर भी नहीं अब्जॉर्ब करेगी एयर भी नहीं अब्जॉर्ब करेगी तो हमेशा स्वेटिंग होती रहेगी जिसके कारण कई तरीके की स्किन डिजीज होती है दोस्तों स्किन डिजीजेस होती हैं आ, उमस, हाँ उमस यस अपने यहाँ पे भी होता है गर्मी में तो ह्यूमिड वेरी ह्यूमिड रीजन दिस ड्राई एंड वार्म एयर दिस ड्राई एंड वार्म एयर प्रोवाइड्स रिलीफ क्योंकि ये ड्राई है ना तो जब ये गुजरती है यहाँ से तो लोगों को बड़ा अच्छा महसूस होता है ऐसे एसी की होती क्या होती है ह्यूमिड थोड़ी ना होती है एसी की रहती है। तभी तो पसीना ए सी में नहीं निकलता है तभी मजा आती है ठीक <laughs> है एसी में बस बैठे रहो मन करता है क्यों क्योंकि पसीना नहीं निकलता जहां आपके पसीना बाहर निकल जाए हो गया दिस ड्राई एंड वार्म एयर प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम दिस ह्यूमिडिटी बहरहाल मैं गर्मियों में कुछ टाइम मतलब बगैर पंखे वंखे के सब बैठते हैं अब तो क्लास लेनी पड़ती है इसलिए अभी ए लगवाया है पिछले साल बट अदरवाइज इतना हम सब यूज नहीं करते हैं बगैर पंखे के भी हम बैठते हैं तो ये मेरा तप है तप करता हूं हाँ यही सही अनुज यही है इसीलिए डॉक्टर वेंड इसी बोला जाता है अभी हम लिखा रहे हैं वही सब समझ में आ जाएगा यही है यही बात है कभी भी देखिए टेक्नोलॉजी और कभी भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ ना होने दीजिए बड़ी दिक्कत हो जाती है कभी भी अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल और इतना उस पर ना जाने दीजिए बहुत दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा दिक्कत क्योंकि आपका शरीर फिर वैसे ही हो जाता है ना लाउजी हो जाता है फिर जरा सा उसमें कुछ इधर उधर हुआ तो बेचैनी हो, जा, हो जाती है तो कभी भी इन सब पे डिपेंड ना हो जरूरत है वो अलग बात है बट जब आपको लग रहा है कि बिना इसके भी ये इस सब हो सकता है पंखे से काम चल सकता है ये वो तो उसमें रही है हाँ क्योंकि जब जरा सा इधर इधर कुछ हुआ तो आप मेंटल फ्रस्ट्रेशन जो होती है फिर थोड़ा दिक्कत है इसलिए शरीर को जितना कष्ट और जितना तपा सकते हो उतना तपाने की कोशिश किया करो बहरहाल दिस ड्राई एंड वार्म एयर प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम दिस ह्यूमिडिटी That is why it is known as Doctor Wind. That is why it is known as Doctor Wind. Now, next is similar winds. Similar winds. सिमिलर इवेंट्स का क्या मतलब है लाइक सिरक्को लाइक सिरक्को ये है वाह wow, क्या बात बोलिए अनुज ब्रिक फील्डर वॉम एंड ड्राई कंडीशन वॉर्म एंड ड्राई कंडीशन डस्टी विंड है डस्टी विंड है यस डस्टी विंड है और दूसरी चीज क्या है दूसरी चीज इट ब्लोज टूवर्ड्स इट ब्लोज टूवर्ड्स द सदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया सदर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम दी आउटबैक फ्रॉम द आउटबैक इस तरीके से चलती है ये है आउटबैक आउटबैक का क्या मतलब है इनपॉपुलेटेड एरिड रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इस इज नोन एज आउटबैक एक्ट तो ठीक है आज इतना ही रखते हैं फिर टाइम भी हो गया है ठीक है बाद में आगे की कराएंगे तो अभी एक लेक्चर और चाहिए रहेगा अपनी विंड्स हो जाएंगी एक लेक्चर और रहेगा अपनी विंड्स हो जाएंगी और ठीक है लोकल विंड्स करा ले उसके बाद जेट स्ट्रीम और रॉसबी वेव्स पे लेक्चर देंगे हम बाकी क्वेश्चन जितने बन रहे हैं क्वेश्चन ईयर क्वेश्चन पेपर देखते रहिए ठीक है कल ऑफ कल ऑफ नहीं रखेंगे अनुज कल क्लास लेते हैं टाइम थोड़ा आगे पीछे हम कर देंगे ये खत्म करा दे जरा कल थोड़ा हाँ ये खत्म करा दें क्योंकि ये थोड़ा मेरे को वैसा लग रहा है रिपीटिशन ज्यादा हो रहा है तो कल इसको खत्म करा देंगे ठीक है कल खत्म करा देंगे नहीं नहीं आज सात बजेडमी की नहीं है नहीं नहीं लगाइए बता तो दिया था टेलीग्राम पे चलो ठीक है बाय बाय रिविजन करिए पढ़िए खेलिए कूदिए